What's up guys, welcome back to our YouTube channel. और आज हमारे बीच जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो है मिस्टर बिमल पासी, जो कि वेल नोन कोरियोग्राफर है जलंधर सिटी के और साथ के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। टिकटॉक पे इनके 5.5 लाख से ज्यादा जो फॉलोअर थे गाइज, और यूट्यूब पे अभी करेंटली इनके 2.5 लाख से ज्यादा जो है सब्सक्राइबर है। तो वेलकम टू आवर शो मिस्टर बिमल, एंड आज हम बातें करेंगे बिमल जी से कुछ उनकी लाइफ जर्नी के बारे में और कुछ जो अभी टाइम चल रहा है उसके बारे में, कुछ यूट्यूब के बारे में, कुछ टिकटॉक के बारे में। तो बिमल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आपने कहां से स्टार्टअप करा और क्या ड्रीम्स हैं आपके, क्या अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। सो फर्स्ट मेरा लाइफ स्टार्टअप लाइक मैं अपने स्कूल टाइम से शुरू करूंगा। जब मैं एक्चुअली स्कूल टाइम में था तो काफी शाय था। ओके, सो डांस तो मतलब आसपास से भी उसका कोई रिश्ता नहीं था। सो मैं स्टार्टअप में ही मतलब बहुत शाय था, स्कूल में कोई टीचर्स तक को मेरा नाम नहीं पता। इन व्हिच क्लास, कब से मतलब आप कह रहे हो? 7 स्कूल में लाइक अभी मैंने डांस जब किया था तो 9th से स्टार्ट किया। 9th से स्टार्ट, ओके, 9th काफी हो गया, आज से 2-10 साल हो गए। ओके, तो उससे पहले तो समझो मुझे कोई जानता नहीं था। तो अब जब से मैंने डांस स्टार्ट किया, टीवी रियलिटी शोज देखे कि देखा कि कुछ बच्चों के शो आ रहे कि ये कर सकते तो हम तो नहीं कर सकते, तो मैंने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ करने लगा, कुछ जंप्स वगैरह लाइक पार्कर मूव्स करने शुरू किए। धीरे धीरे डांस तो सारे बोलते थे कि क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा, मतलब तब इतना इंटरेस्ट नहीं था किसी का। सो अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हम भी अपने में इंप्रूवमेंट करते रहे, कॉलेज लाइफ शुरू हुई। कॉलेज में गए, कॉलेज में काफी नए दोस्त मिले, सो उनके साथ डांसिंग स्टार्ट किया। और धीरे धीरे ऐसे कॉलेज लाइफ खत्म हुई, जब फर्स्ट मतलब जो बैचलर थी, बैचलर डिग्री थी वो खत्म हुई, देन उसके बाद अपना एक डांस स्टूडियो स्टार्ट किया। ओके, सो वहाँ से मेरी मेन डांसिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, कितना टाइम हो गया आपको डांस स्टूडियो स्टार्ट करते हुए? अभी मुझे 4 इयर्स से ऊपर हो गया टाइम। ओके, 5th ईयर चल रहा है। सो तभी से थोड़ा फोकस बढ़ा कि डांस करेंगे, थोड़ा अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे डांस करें। ओके, अच्छा एक चीज बताइए मुझे, जब आपने डांस स्टार्ट करा था या जैसे अभी आप डांस कर रहे हो, तो मोस्टली पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते डांस को, तो क्या आपकी जो फैमिली सपोर्ट करती थी आपको डांस के लिए, या अभी सपोर्ट करती है? नहीं, पहले तो नहीं करती थी एक्चुअली। पहले यही था कि कोई भी फैमिली का भी सपोर्ट नहीं करती थी, ये सभी मतलब जितने भी आर्टिस्ट आते सबके साथ यही था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आता गया, जैसे जैसे हम करते गए कुछ ना कुछ न्यू, बाहर के लोग हमें देखने लगे। सो मतलब लोगों ने आके पेरेंट्स को बोलना शुरू किया कि अच्छा कर रहा है, कुछ इसके लिए करो कुछ ऐसे। तो धीरे धीरे जब उनको दिखने लगा कि हम नहीं कर रहे बट बाहर के लोग आके सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, फिर धीरे धीरे उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू किया। फिर बाद में जब स्टूडियो स्टार्ट किया, अर्निंग होनी स्टार्ट हुई, देन फिर उनको लगा कि हाँ कुछ कर रहा है, सो उसके बाद वो सपोर्टिंग, आप पूरा सपोर्ट कर। तो डांस में आपने कोई प्रोफेशनली कोचिंग कहीं से ली है क्या, मतलब क्या डांस में क्या लिया हुआ आपने, कोई क्लासेस आपने करी? नहीं, एक्चुअली मैंने डांस में पहले तो मैंने बिल्कुल कुछ कहीं से नहीं सीखा था। सो कोई पहले तो कोई सोर्स भी नहीं था जब हमने स्टार्ट किया, ना यूट्यूब था ना कुछ था। सो टीवी में जो आया उसके देख के हमने स्टार्ट किया। धीरे धीरे कुछ मतलब टाइम के साथ स्ट्रगल किया, सीखे, अलग अलग लोगों से सीखे, जो मिला जिससे जैसा सीखने को मिला हमने सीखा। सो यही टाइम निकला, धीरे 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 जैसे जैसे नॉलेज मिलती गई बटोरते गए। तो कौन कौन सी मतलब फॉर्म्स हैं जो डांस की बेसिक्स, या कौन से एडवांस फॉर्म है जो आप कर लेते हो या करवा लेते हो? मोस्टली हम जितनी भी वेस्टर्न में जितनी भी फॉर्म्स आते हैं मोस्टली कर लेते हैं हम, लाइक हिप हॉप, बी बॉइंग, ठीक है, ये सारी चीजें स्टाइल्स कर लेते हैं। ओके, ये तो इनकी डांस की जर्नी के बारे में था। आपके कुछ ड्रीम्स होंगे डांस में, क्या कुछ अचीवमेंट्स ये करना चाहते हो, या आपने कुछ अचीव कर लिया हुआ डांस में, कुछ है आपके? अभी मैं यही बताऊंगा कि अभी तो मैंने डांस में कुछ इतना अचीव नहीं किया, बट ये कि ड्रीम्स ये है कि कुछ अच्छा करके दिखाना है, कुछ लोगों तक अच्छा टैलेंट अपना दिखाना है, अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम भी कर सकते हैं कुछ अच्छा, जितना हमने कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं, ओके, कुछ अच्छा करके दिखाना है, बस ये ड्रीम है कुछ। ओके, एक चीज मैंने पूछनी थी, मतलब जैसे कि ये डांस की इनकी जर्नी होगी, इसके अलावा ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और बहुत ज्यादा जो है एक्टिव रहते हैं हर एक सोशल सर्च इंजन पे। तो यूट्यूब की मैं बात करूंगा, यूट्यूब पे इनके 2.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और बहुत अच्छे व्यूज इनके जो आते हैं वीडियोस के ऊपर, लोग बहुत पसंद करते हैं, कमेंटिंग बहुत अच्छी होती है। तो यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी यूट्यूब से क्या अर्न कर लेते हो आप, कितनी अर्निंग कर लेते हो यूट्यूब से? बेसिकली मैं बताना चाहूंगा, काफी लोगों को क्वेश्चन होता है कि आप यूट्यूब से कितना कमा रहे हो।
या YouTube आपको कितने पैसे भेजता है या आपको गिफ्ट भेजता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। YouTube एक मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग अर्निंग्स भी करते हैं, बट अगर एज ए आर्टिस्ट अपने आप को देखूं कि हमारे डांसर्स जो होते हैं उनको कुछ अर्निंग नहीं होती, बिकॉज जो हम सॉन्ग्स यूज करते हैं वो होता है किसी म्यूजिक कंपनी का या किसी आर्टिस्ट का, कॉपीराइट इशू आई थिंक, कॉपीराइट हमें कॉपीराइट आ जाता है, सो उसका जितना भी अर्निंग्स होता है उस म्यूजिक कंपनी को जाता है, म्यूजिक कंपनी इसको ले लेती है। अगर बाई चांस हो हमारी वीडियो पे अगर कॉपीराइट नहीं आता तो उस पर रेवेन्यू आ जाता है, बट ऐसे नहीं। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपका जो बेस्ट यूट्यूबर है इंडियन वो कौन सा है, कौन से बेस्ट यूट्यूबर? संदीप महेश्वरी, संदीप महेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छी उनकी मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं। तो सेकंड एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे कि जो नए यूट्यूबर्स हैं जो जिनकी ये थिंकिंग है कि यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे हम पैसे कमाएंगे, कितनी मेहनत लगती है यूट्यूब पे एक सब्सक्राइबर गेन करने में? आपने 2.5 लाख सब्सक्राइबर गेन करने तो आपको पता होगा कि कितनी मेहनत, कितना टाइम आप उस चीज को देते हो। एक्चुअली जो लोग भी हैं अगर यूट्यूब पे आना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ठीक है, सो फर्स्ट मैं उनको बताना चाहूंगा कि मतलब हमें कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, ये नहीं कि हम एक वीडियो डालें फिर 2-3 मंथ या साल हम आए ना उस पर वापिस ही नहीं आए, ठीक है। सो हमें कम से कम ये रखना चाहिए, कम से कम भी हमें मंथ में 2 वीडियोस तो हमें यूट्यूब पे चाहिए। सो मुझे तो जैसे मैंने मतलब ये भी नहीं कह सकती कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, बहुत प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे फर्स्ट मेरा चैनल था आई थिंक 17,000 पे वो हैक हो चुका था। जो जब मैंने YouTube पे आना शुरू किया, जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, सीखते गए थोड़े थोड़े YouTube से सीखा, वीडियोस बनाना शुरू किया, काफी मेहनत लगी, 1.5 साल लगा 17,000 को ही। फिर आप मतलब कहाँ से इंस्पायर हुए, आपने ये सोचा कि मैं डांस करते करते अब मैं यूट्यूब के साथ करियर बनाता हूँ या काम करता हूँ, ये कहाँ से आपको इंस्पायरेशन आई? एक्चुअली ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, जो हमारे फ्रेंड्स थे वो हमें बार बार यही पुश करते थे कि तुम अपनी वीडियो यूट्यूब पे डालो, काफी लोगों के वीडियो वहां पर हैं, आप भी डाल के देखो कुछ शायद अच्छा रिस्पांस आए, तो मैंने वही वीडियोस डालनी शुरू की। तो आप वीडियोस जो बनाते हो प्रोफेशनली, आप कौन सा कैमरा यूज करते हो, कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कुछ गाइड्स करेंगे हम? हाँ, जो हम वीडियोस बनाते हैं एक्चुअली DSLR में बनाते हैं, तो हमारी टीम है साथ में पूरी, वो सारा कुछ हैंडल करते हैं, वीडियो शूट वो करते हैं, डायरेक्शन सब मेरी होती है और जो उसकी एडिटिंग होती है वो मैं खुद पर्सनली करता हूँ। सो ये चीजें, और सॉफ्टवेयर तो अभी मैं एक्चुअली फिल्मोरा वंडरशेयर यूज कर रहा हूँ, अभी काफी बेसिक है बट धीरे धीरे उसको भी इम्प्रूव करने जा रहे हैं कि अब कुछ अच्छा लेके आए। वेल गाइस, कोई भी काम हो बोले यूट्यूब का है, सोशल मीडिया के ऊपर है या वैसे आप कुछ मेहनत कर रहे हो, मेहनत जरूरी है, मेहनत मांगता है वक्त, टाइम भी जरूरी है और मेहनत, दोनों चीजें साथ में चलते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगा वो चीज भी नहीं होती, और अगर आप चाहते हो कि मैं सोचते हो कि मैं मेहनत भी नहीं करूंगा और मैं स्टार बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत करोगे देन डे बाय डे आप जो है ग्रो अप होगे। अच्छा बिमल जी, एक क्वेश्चन मेरा और है आपके पास सामने, जैसे आपके टिकटॉक के ऊपर जो थे 5.5 लाख से ज्यादा जो थे फॉलोअर थे आपके टिकटॉक पे, और टिकटॉक जो है बैन हो चुका है इंडिया में, तो उसका आप पे क्या मतलब कि आप यू हैव तो थोड़ा डिप्रेस हुए आप भी कि इतने फॉलोअर आपके खत्म हो गए? या एक्चुअली जो मैं मेरा मेन फोकस है, मेरा मेन फोकस ही यूट्यूब है, टिकटॉक तो जस्ट मैं एज ए अपने आप को टाइम पास के लिए या अपने आप को मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ करता था, टिकटॉक को नहीं मैं मानता, बिकॉज वहां पर जो रियल टैलेंट है वो लोगों के सामने आ ही नहीं रहा है, जो काफी क्रिंज टैलेंट है वो लोगों के सामने आके फेमस हो रहे हैं, मतलब वो काफी मतलब उस ऐप की थी प्रॉब्लम। तो मतलब आप खुश हो कि टिकटॉक बैन हो गया, सोचते हो वापस आना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ना ही आए तो बेटर है, बिकॉज आ भी जाए तो भी बेटर है, ना भी आए तब भी बेटर है, बिकॉज वहां तो कुछ अच्छे टैलेंटेड लोग भी थे जिनका मतलब काफी कुछ बंद हो चुका है, बट मैं मानता हूँ अगर लोगों में टैलेंट है तो वो जरूरी नहीं कि टिकटॉक पे ही जाने, इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल बनाओ, लोगों को अपनी नॉलेज तो कुछ सीखो या कुछ किसी को सीखने में मिलेगा। बेस्ट टिकटॉक यूजर कौन था आपका इंडियन बेस्ट टिकटॉक, आप किसको आप देखते हो? अवीर दरबार। हमारे पास इंडियन को भी फॉरनर को भी सबको देखता हूँ कि जिससे कुछ अच्छे को सीखने को मिले, सीखता हूँ, चाहे
हमारे आसपास के हमारे सिटी के ही हो, उनसे अगर कोई मूव सीखने को मिले तो मैं जरूर सीखूंगा। ये नहीं कि मैं किसी एक को फॉलो करूंगा, सबको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो बहुत सारे टिकटॉक यूजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जिन्होंने मेहनत करी है बहुत ज्यादा, बहुत लोअर स्टार्ट किया उन्होंने, बहुत अच्छे ग्रो कर गए, लेकिन एकदम से टिकटॉक जो बैन हो गया इंडिया में, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है। कुछ लोग कहीं होगा तो खाना पीना भी छूट गया है, तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज दोगे क्या, उनको क्या करना चाहिए जो डिप्रेस घर में बंद पड़े हैं कि टिकटॉक बैन होने की वजह से, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे आप? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई ऐप ही बंद हुआ है, आपका टैलेंट बंद नहीं हुआ, सो इसमें डिप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, मैंने पहले भी बोला, अगर टैलेंट है तो आप कहीं पर भी कुछ भी दिखा सकते हो। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में कि जिसको कोई हिला नहीं सकता जल्दी, और बहुत मतलब बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट यहाँ पर पड़ा पड़ा है। आप भी आओ, इंस्टाग्राम में काफी कुछ कर सकते हो। जैसा कि बिमल जी ने कहा कि सिर्फ एक ऐप बंद हुई है और एक ऐप बंद होने से जिंदगी खत्म नहीं होती, तो ये हमारी तरफ से भी उन सब टिकटॉक यूजर्स के लिए एक मैसेज है जो डिप्रेस हुए पड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आज कल परसों टिकटॉक आएगा। गाइस, टिकटॉक आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मल्टीपल एप्लीकेशंस इंडिया में लॉन्च हो रही हैं, जगह जगह पे आप डाउनलोड कर सकते हो, अपना टैलेंट उस पे दिखा सकते हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई भी डर नहीं है, आप कहीं भी नहीं रुक पाओगे और आप धीरे धीरे जो है ग्रो कर जाओगे गाइस, तो बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ओके बिमल जी, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि जैसे कि पूरी दुनिया ही अभी COVID-19 की चपेट में है और इंडिया भी इससे बचा नहीं है। आई थिंक 8-9 लाख से ज्यादा जो केसेस इंडिया में भी हो चुके हैं और इससे हर एक आम आदमी, बड़ा आदमी, मेडियोकर, हर कोई प्रभावित हुआ है। तो आपकी जो फील्ड है, जो डांस की फील्ड है, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसे प्रभावित हुई। यहाँ तक कि अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं है, जिम लवर्स, जिम ओनर या फिटनेस इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टोटली सब कुछ बंद है, तो इसमें मतलब आपकी लाइन कितनी प्रभावित है, कुछ बताएंगे आप? हाँ, मैं इसके बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो भी है सब कुछ बंद हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है ओपन करने का, सो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकें। अभी जितना है जोर लगा सकते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस पे लगा सकते हैं एक्चुअली, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं कर सकते, सो हमें हमारे पास सिर्फ यही है कि हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं। बाकी अगर आपका वर्क हो सके या होम ट्यूशन अगर कोई लोग करवाना चाह सकते हैं तो उससे होम ट्यूशन कर सकते हैं। बाकी अगर जिम लवर्स का तो हमें वेट करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हो, इससे ज्यादा अभी कुछ हम नहीं कर सकते बिकॉज डेफिनेटली जब तक हमें गवर्नमेंट से गाइडलाइंस नहीं मिलती, जब तक उनके ऑर्डर्स नहीं आते, तब तक हम बिल्कुल भी इंस्टीट्यूशंस अपने नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट का साथ देंगे तभी हो सकता है हम अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने देश को बचा पाएंगे, क्योंकि इस वक्त ये कहानी नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, देश सच में बहुत बड़े खतरे में है और हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। जब वो हमें अलाउ करते तभी हमें जो है अपने इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए गाइस, और तब तक हम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस दे सकते हैं, वो भले किसी भी स्कूल्स भी अभी ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशंस भी ऑनलाइन करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, हम इससे थोड़ा हट जाते हैं। फ्री टाइम में आप क्या करना चाहते हो, क्या मतलब करना पसंद करते हो विमल? फ्री टाइम में एक्चुअली मैं ज्यादातर तो टीवी तो मैं देखता नहीं बिल्कुल भी। ओके, टीवी बिल्कुल पसंद नहीं है? टीवी पे आना पसंद है, टीवी पसंद नहीं है? टीवी हाँ आना पसंद है। एक्चुअली ये क्या करते हो फ्री टाइम में, क्या करते हो फ्री टाइम में? मुझे एक्चुअली पसंद है थोड़ा, मुझे लाइक मुझे नेचर को पसंद है, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं पार्क में जाके जरूर बैठता हूँ लाइक, और उसके बाद गिटार मुझे बजाना बहुत अच्छा लगता है, गिटार प्ले करना अच्छा लगता है। ओके, मतलब बहुत अच्छा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत प्रोफेशनली इतना नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत सीख लेते हैं कर लेते हैं, और जिमनास्ट वगैरह थोड़ा बहुत पसंद है। ओके, अच्छा गेम्स वगैरह पसंद है आपको, लाइक आजकल ट्रेंडिंग में, काफी टाइम से ट्रेंडिंग में पबजी, फ्री फायर, तो आप खेलते हो मोबाइल पे गेम्स वगैरह? मैंने कोई बचपन में शौक था बट ओके कोई गेम नहीं, सिंगल गेम भी मैंने नहीं खेली ना, मुझे पता ही नहीं है कि खेलते कैसे, डाउनलोड भी नहीं पता कैसे। डेफिनेटली सेम हियर, मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन आप कुछ मैसेज देना चाहोगे जो गेम्स के अंदर बहुत ज्यादा घुस गए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे, ओनली पबजी 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 पबजी, बट उनको कुछ बोलना चाहोगे क्या
कौन से लिमिटेशन हाँ अभी मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है गेम खेलने का तो आप डे में वन आवर खेल सकते हो। लाइक अगर मैं बताऊँ हमारे पीछे डीओपी भी है जो कैमरामैन है, उनको भी बहुत शौक है गेम का। ओके सो मतलब मैं ये करता हूँ गाइड कि आप एक घंटा खेल लो, पूरा टाइम हमारा मतलब टाइम ही वेस्ट होता है उससे और कुछ नहीं मिलता। सो वही टाइम हम अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाएं तो वो ज्यादा बेटर है। अच्छा एक बिल्कुल पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, तो पर्सनल मतलब कि ये काफी लोगों ने बोला है कि जब बिमल जी आएंगे स्टूडियो में तो उनसे ये प्रश्न जो है पूछना कि यू हैव एनी क्रश, आर यू सिंगल, या कैसी लड़की आपको पसंद है, ये तो ये ऑडियंस को बताना जरा कैसी लड़की। भाई आर यू सिंगल पहले तो ये प्रश्न का जवाब है, आर यू सिंगल, ओके रेडी टू मिंगल, एंड कैसी लड़की आपको पसंद है, कैसी जिसकी दो टांगे हो दो हाथ हो बस। कभी आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आया, ऐसी बातें ज्यादा करता नहीं मैं, कभी ऐसा टाइम आया जब लड़की ने आपको प्रपोज किया हो आपने उसको मतलब कि इग्नोर मार दिया हो कभी, टू बी फ्रैंक मतलब हां होता है एक्चुअली ऐसा, मतलब बाय फेस तो ज्यादा नहीं अभी बोलते इतना किसी ने होता नहीं, बट हाँ जैसे अगर हम यूट्यूब पे वर्क करते, पहले मैंने ऐसे अपने नंबर वगैरह डाल देता था बट वहां से बहुत लोग कॉल कर देते, ऐसे बहुत लोगों की मतलब हो गई ऐसे केसेस की, फिर मैंने बंद किया ऐसी ये चीजें साथ में। ओके फ्यूचर क्या ड्रीम्स है आपके, क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में, डांस में ही आगे जाना चाहते हो या कुछ और भी ड्रीम्स हैं आपके। फिलहाल तो मैं डांस में भी आगे जाना चाहता हूँ बट बाई साइड में अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, कोई okay. कोई भी बिजनेस हो बट एज ऑप्शनल कुछ अच्छा रखना चाहता हूँ। और ड्रीम्स मेरा ऐसा है कि मैं कुछ चाहते हैं कि मतलब लोग मुझे पहचाने okay. इस फेस को कोई पहचाने, लाइक कोई और भी अगर वर्क करने का मौका मिलता है अगर कहीं कोई भी मतलब मूवी में या बॉलीवुड में तो मैं सोच नहीं सकता कि जाने का, इतना तो है नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा जो जैसे आपकी किड्स से बात होती होगी, ऑनलाइन आप क्लासेस देते हो किड्स से आप बात आती है, तो जो ये लॉकडाउन है काफी टाइम से बच्चे जो है घरों में कैद बैठे हैं, तो क्या दे आर हैप्पी खुश है वो, या आपसे बात होते हैं कि सर कब स्कूल लगेगा, आपसे पूछते हैं कि सर आपकी क्लासेस कब लगेगी, स्कूल कब लगेंगे, क्या इम्पैक्ट है लॉकडाउन का, क्या इम्पैक्ट है किड्स के ऊपर। लॉकडाउन का बच्चों पे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज उनका सारे गेम्स बंद हो चुकी है, आउटडोर सारा सिस्टम बंद हो चुका, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते। ऑनलाइन अगर हम बात करें भी, अगर हम हमारी बात होती है ऑनलाइन क्लास होती है उसमें भी हम इतनी ज्यादा बातें तो कर नहीं सकते बिकॉज ऑनलाइन में काफी प्रॉब्लम्स आती है तो टाइम कम ही होता है हमारे पास, तो बच्चों में वो चीज का काफी बड़ा इफेक्ट। ओके टाइम अच्छा बुरा जिंदगी में आता रहता है, तो टाइम ये जो आया हुआ है अभी वो निकल जाएगा, तो बहुत जल्दी बच्चे फिर से स्कूलों में हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो वेल गाइस आज हमारे बीच थे मिस्टर बिमल पासी, थैंक यू सो मच बिमल सर आप हमारे स्टूडियो में आए, तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यूज आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट आर्टिस्ट जो कि अलग अलग फील्ड से होंगे और हमारे चैनल पे और लेट्स जैम टुगेदर शो के अंदर। थैंक यू गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बिमल सर को भी उनके चैनल पे आप देख सकते हो, बिमल पासी यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले जो है मिल जाएंगे, उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच बिमल सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा, उससे हाँ। वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। हाँ। देखो आपने अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू सुना होगा टीवी पे, हमारे चैनल पे हर एक उस आर्टिस्ट का इंटरव्यू आएगा जो अमिताभ बच्चन से कम नहीं। अमिताभ बच्चन से याद आया कि अमिताभ बच्चन जी को भी कोविड 19 हुआ है और ही इज इन हॉस्पिटल नानावती आई थिंक सो, एंड होप सो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर।